यार ये क्या चीज है भाई, भाई साहब एक नंबर बैकग्राउंड रेडी करा गया है भाई। ये येलो बैकग्राउंड है भाई। और धूम लड़ाके से पटाखे छोड़ रहे हैं, लाइटिंग वगैरह लगा रहे हैं घर पे। तो गाइस मैं बताऊं तो इस व्लॉग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जयपुर सिटी को एक्सप्लोर करने। जयपुर की लाइटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी खतरनाक लाइटिंग होती है जयपुर में जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी गाइस। तो चलिए फटाफट चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं जयपुर की लड़ाई। तो गाइस इस ब्लॉग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, क्योंकि मैं जयपुर सिटी एक्सप्लोर कराने वाला हूं। तो अभी गाड़ी में फ्यूल भरा रहे हैं, तो चलो चलते हैं एंड सामने आप व्यू देख सकते हो लाइटिंग का। चलिए गाइस मैं ना बाइक पे शिफ्ट हो रहा हूं, क्योंकि अब मैं बाइक से ही व्यू दिखाऊंगा आपको बिल्कुल नेचुरल। तो अभी अपन है एक नंबर, तो एक नंबर पे कोई लाइटिंग नहीं है, और नीरज भाई पता नहीं कहाँ लेके चलेगा। तो चल भाई निकलते हैं, लाइटिंग की शुरुआत हो गई है एंड अब आप लाइटिंग का एंजॉय करिए भाई। इंडिया की लाइट लग रही है, इंडिया के फ्लैग में जो कलर्स रहते हैं अपने, उस तरीके की लाइटिंग लग रही है, उस कलर की लाइटें लग रही है। और चेक करो भाई क्या ही मजा है। जे ज्वेलर्स वाले का सेटअप है बाहर, बहुत ही बढ़िया शिवजी का बनाया इसने, देखो कितना ज्यादा लग रहा है ब्यूटीफुल। और ये सामने जेके ज्वेलर्स की बिल्डिंग है, और ये देखो चेक करो कितना बढ़िया है वैसा व्यू, एक नंबर फोटो शोटो चल रही है। अब आने वाला है वीडियो में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, इतनी देर आपको लाइटिंग दिखी नहीं होगी, बट अब जो लाइटिंग भाई साहब दिखने वाली है आपको बड़ी नेक्स्ट लेवल की दिखने वाली है। सामने आ गए चांद पोल गेट एंड अभी अपन एंटर करेंगे चांद पोल गेट में, फिर देखना भाई क्या ही व्यू मिलने वाला है। एंड भाई इधर तो बंद कर रखा है, क्या बात है भाई बंद कर रखा है, पैदल जाने दे रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रखा है एंड अपनी I-10 आगे चल रही है, देख चेक करो, और हम भी भाई पीछे पीछे चल रहे हैं I-10 के। अब भैया किधर लेके जाए हमें पता नहीं है, हम इनके पीछे या हमारे आगे, और बिल्लू भैया साइड में चल रहे हैं। शॉर्टकट नहीं, अपन चलेंगे यहाँ से पांच बत्ती से फिर अजमेरी गेट, अजमेरी गेट से गाइस फिर चांद पोल, छोटी चौक पर बड़ी चौक। अब लाइटिंग स्टार्ट होगी 5 बत्ती वाली, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है, और तेरी तो भाई फुल है फुल एकदम, क्या ही लाइटिंग है यहाँ की, चेक कर लीजिए गाइस, डोंट मिस दिस मोमेंट, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लाइटिंग दिखने वाली है भाई। पतली गलियों से निकलना पड़ रहा है हमें, पतली गलियों से ये देखना, ये पतली गली आएगी इसमें से निकलेंगे, लेकिन नीरज हैवी ड्राइवर है ऐसे नहीं छोड़ने वाला, अड़ाते अड़ाते टूट रही गाड़ियों के। भाई लाइट देखो यार कितनी खतरनाक हो रखी है भाई, मजा आ गया ना नीरज। अभी तो ये तो ट्रेलर है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी चलेंगे वगैरह और मजा आने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है, चल ले चल ले, पिक्चर तो पूरी बाकी पड़ी है गाइस, पिक्चर तो अभी बाकी नहीं पूरी बाकी है। ये देखो पीछे ले भाई, अंदर ले लूं क्या, ओम फोन ही नहीं चलने थे, इधर से लाइटिंग देखेंगे। ये देखो गाइस ये वाली ज्वेलर्स की शॉप, इसकी लाइटिंग बड़ी प्यारी लग रही है। एंड मेरे को तो गाइस ये वाला ना, ये वाला सीन बड़ा प्यारा लगता है, ये देखो। और इस रोशनी को जयपुर वाले देख के पागल हो जाते, पता नहीं क्या ही है इस रोशनी में। अब आप लोग भी देख रहे हो तो आप भी पागल हो जाओगे गाइस, बड़ा ही मजा आता है। मेरे को ऐसा लगता है तो मेरी रोशनी भी मिलेगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो गाइस फिलहाल हम लोग अभी गोलू भैया का वेट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी पीछे फंसी हुई है ट्रैफिक में, पता नहीं कहाँ फंसी हुई है। एंड बिल्लू भैया और नीरज हम लोग यहाँ खड़े आराम से मजे कर रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। आजा आजा हो गए पहुंच, डिस्टर्ब कर दिया पूरी रोड को, ट्रैफिक लगा दिया। इधर पीयूष शूट करने लग रहा है वीडियो भाई, सिनेमैटिक ले लेना, मेरे को दे देना, व्लॉग में काम आ जाएंगे। खुद ब्लॉगर बनेगा भैया, नए फोन से मेरी वीडियो बनाने लग रहा है, पीछे का पूरा बैकग्राउंड आना चाहिए। और चलो गाइस चलते हैं, रेड और ग्रीन लाइट हो गई है, ग्रीन लाइट तो है नहीं, बाकी यहाँ लग रहे हैं पुलिस वाले जो डायरेक्शन दे रहे हैं। मैडम जी रुक रही है अपने को, अपन रुकने वाले नहीं है, लेकिन ले ले दबा दे पीछे से, अगर ये आंटी आगे ले लेना, ये आंटी आगे ले लेना गाड़ी, तो अपन निकल जाए। लेट्स गो, ये Thank you.
गाइस ऐसे ही नहीं दिखती जयपुर की लाइट, बड़े ही पापड़ पहलने पड़ते हैं। ये देख लो हम लोग पापड़ पहल रहे हैं, ट्रैफिक को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है लाइटिंग को देखने के लिए। और भाई लाइटिंग बड़ी प्यारी है, एक नंबर लाइटिंग होती है हमारे जयपुर में भाई, पूरी पिंक सिटी में पिंक लाइटें भी होती है और काफी लाइटें होती है, चेक करो। और यार ये क्या चीज है भाई, भाई साहब एक नंबर बैकग्राउंड रेडी करा गया है यहाँ भाई। और ये रेडी करा है सिल्वर वाले ने भाई, सिल्वर वाले ने करा ये, नहीं नहीं चल ये येलो बैकग्राउंड है भाई। वाह यार क्या ही बात है, अंदर भी काफी मजेदार बैकग्राउंड है। नहीं अभी ऑडियंस को अपन दिखाएंगे भाई जयपुर की लाइटिंग, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस आपको अंदर का भी एक्सप्लोर कराएंगे टाइम मिला तो। और ये देखो ये क्या चीज़ है, विनायक ज्वेलर्स भाई, ज्वेलर्स वाले काफी कमाल करने वाले हैं जयपुर में, ये चेक करो। क्योंकि क्योंकि ज्वेलर्स वालों के पास पैसा खूब हुआ तो उड़ाने में भी दिमाग नहीं लगाते वो। तो गाइस आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाली लाइट दिखाता हूँ, ये देखो राम जी की लाइट है, क्या ही भाई सब क्या ही बना दिया लाइट से इन्होंने, मजेदार भाई वंडरफुल। और ये बैकग्राउंड रेडी करा है यहाँ, देखो लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, चेक करो गाइस राम जी त्रिशूल को तोड़ रहे हैं। एंड इधर भी काफी सारी, तो ये देखो चेक करो सामने हनुमान जी अपना सीना फाड़ रहे हैं और राम जी सीने से निकलते हुए आ रहे हैं। जयपुर की लाइट जयपुर वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशियाँ लेके आती है। देखो कैसे भाग रहे हैं सारे के सारे, गाड़ियाँ कोई बाइक कोई कैसे कोई कैसे, जैसे हम लोग भाग रहे हैं वैसे ये भी भाग रहे हैं लाइटों के पीछे। गाइस लाइटिंग बड़ी प्यारी है जयपुर की, ये तो आप देख ही रहे हो, चेक करो उसमें कैसे अलग अलग लाइटें चल रही है भाई साहब, कोटरी ज्वेलर्स। अरे बोलो और घूम लो जयपुर सिटी है एवन। इस बिल्डिंग की लाइट चेक करो, श्री श्री बिल्डिंग है और अलग अलग लाइटें चल रही इसमें, यह है भाई क्या ही थीम है, क्या ही थीम ओपन करके भाई ने, एक नंबर मजा आ गया थीम को देख के। ओ पूरी पूरी ब्लू हो गई वो, ये लो भाई पूरी वाइट। फाइनली WTP आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो वापस देख लो, इतनी खास लाइटिंग नहीं है। अच्छी लगी है तेरी लाइटिंग? नहीं लगी ना अच्छी भाई, पहले WTP ना बहुत ही ज्यादा फेमस था लाइटिंग के मामले में दिवाली पे, बट अभी बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ये देखो उधर भी इतनी खास लाइटिंग नहीं है, इधर भी नहीं है, और वो सामने बिल्डिंग बन रही है तो उस पर तो थोड़ी बहुत लगी, क्या पता इसका ही रिफ्लेक्शन जा रहा शीशे लगे हो ना इस वजह से। ये देखो हैप्पी दिवाली का टैग लगा हुआ है, आई मीन फ्लावर बनाया हुआ है भाई। जूम कर देता हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है यार गाइस, क्राउड बहुत ज्यादा, मेरी तो इच्छा ही नहीं करती क्राउड में जाने की। या पेड़ों पे लाइटिंग अच्छी, यहाँ करा दो फोटो बोल। और भाई यहाँ एक फ्लावर है, फ्लावर्स की ज्वेलर्स शॉप है, वो दिखाता हूँ आपको, वो देखो इस पेड़ के पीछे, वो भी आपको एक्सप्लोर कराते हैं। और सामने भी वो चेक करो, ये देखो टॉक रोड की लाइटिंग, मोतीशंस ज्वेलर्स शॉप, चेक करो आप भाई क्या ही व्यू है, फोटो शोटो खिंचाने के लिए बैकग्राउंड है पूरा यहाँ कम्प्लीटली, चेक करो। ये देखो ऊपर लाइट, अलग अलग लाइट जलेगी इसमें, अभी रेड है भाई, क्या ही डेकोरेशन है, एक नंबर भाई साहब। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, कौन सा है ये एरिया, इंदिरा मार्ग। चौपड़ चांदपुर की सारी लाइटें बंद हो गई है, ये देखो इस जो लाइटें जल रही थी वो सारी बंद हो गई, नाइट के बज गए 12:30, तो सब कुछ बंद कर दिया। देखो भाई सब कुछ बंद कर दिया है, हम लेट हो गए। तो गाइस फाइनली अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली, धूम धड़ाके से पटाखे छोड़ो, कल बढ़िया तरीके से दीपावली मनाओ, और बाय बाय, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।